मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब हाशमी डिग्री कॉलेज की। हाशमी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग व छात्राओं द्वारा फूड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका फीता काटकर शुभारंभ नगर पालिका परिषद की चेयरमैन श्रीमती शशि जैन ने किया। पालिका चेयरमैन ने छात्राओं द्वारा लजीज व्यंजनों के स्टॉलों को देखा और उनकी प्रशंसा की। इस मौके पर पालिका चेयरमैन श्रीमती शशि जैन ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्राओं का मनोबल बढ़ता है, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के युवा नेता निखिल जैन, सभासद फहीम शाहनवाज, जेएस डिग्री कॉलेज की पूर्व प्राचार्य वंदना रानी गुप्ता आदि मेहमानों का प्रतीक चिन्ह देकर हाशमी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं हाशमी लॉ कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर राना परवीन, हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हिना खानम द्वारा शॉल उड़ाकर मेहमानों का स्वागत किया गया। इस मौके पर हाशमी कॉलेज का स्टाफ व भारी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। वीडियो जर्नलिस्ट रोमेश मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। हमारे बड़े भाई अतुल जैन साहब बीमारी की वजह से हमारे टीम में नहीं है, उन्होंने भी हमारी हमेशा सरपरस्ती की है और हमेशा उनकी मोहब्बत हमारे साथ रही है। मैं तमाम बच्चों को, जिन बच्चों ने इस पर पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है, उनको भी बधाई देता हूँ और कार्यक्रम के संचालक इब्राहिम को भी मुबारकबाद देता हूँ। और जो बच्चे हमारे होम साइंस के हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तैक हैं। इंटर कॉलेज के बच्चे भी आवाज पाने के लिए आए हैं, उनको भी मैं सम्मान करता हूँ। डॉक्टर राणा, हिना खान और मुसलमानों तमाम स्टाफ का भी सम्मान करता हूँ, उन्होंने बहुत मुख्तर से वक्त में इसे कार्यक्रम में लगाया है। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि एक साल के बाद आज हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और क्योंकि हम लोग लॉकडाउन की वजह से पाबंद थे कार्यक्रम के, इसलिए हमने आज सारे बच्चों को हम लोग नहीं किया है। ज़्यादातर बच्चे हमारे होम साइंस के बच्चे हैं और उम्मीद करते हैं शशि जैन साहब से, जो हमारी कम महिला है हम लोगों की, कि वो अपना प्यार और स्वभाव और अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों में हमारे कॉलेज के ऊपर बनाया रखेंगे। एक बार फिर मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और उम्मीद है कि वो हमें इस तरीके से अपनी दुआओं में आवाज उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्लिनिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी सेला, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी के लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसे ऑपरेशन के बाद कोई भी आप बायोप्सी या मांस का टुकड़ा बाहर भेजते थे या फेंक दिया जाता था, तो उसके लिए यहाँ पर जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उसके अतिरिक्त सभी तरह के बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाएगी। अमरोहा की जनता और यहाँ के डॉक्टर से यही कहना है कि अच्छी रिपोर्ट मिलेगी तभी अच्छा इलाज मिलेगा, तो और एक MD पैथोलॉजी के थ्रू रिपोर्ट जाएगी तो अच्छी रिपोर्ट जाएगी इसकी।